उधार लेके घी भी ना, ये चीज करी है इन्होंने। सहायता लियो तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अगर आप उल्टी बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि पिछले 20 साल में कैलाश जी तो खैर 1990 से है ना यहाँ पे थे। क्या कहना चाहिए आप? पहले एक मिनट पूरी बात सुनिए। विकास कौन सा हुआ? मैं कहती हूँ आप मुझसे मत पूछिए। ये 3 तारीख को आपको पता नहीं बना रहे, आपने शपथ पत्र झूठा दिया है, आपने शपथ पत्र झूठा दिया है तो आपको इसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे। हमारे मोदी धोनी है और कैलाश जी हमारे हार्दिक पंड्या, तो आप देख लीजिए धोनी कहाँ रिटायर हो चुका है, तो शिवराज जी भी 3 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। दूसरी चीज मध्य प्रदेश की सबसे हॉट मानी जाने वाली विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की सीट में आप रोचक मुकाबला होने की ओर अग्रसर हो चुका है। यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय के पूर्व के प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता मौजूद है। सबसे पहले हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, भाई साहब किस तरह से आने वाले दिनों में कैलाश जी को घेरने की तैयारी है? जानकारी देने के उस पर आप पे कार्यवाही हो सकती है, आप पे आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है, 2 से 3 साल की सजा भी हो सकती है। अगर 2 से 3 साल की सजा की बात कर रहे हैं, चुनाव प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है इस पूरे मामले? संदीप भैया, एक तो सबसे पहली बात, 1999 का प्रकरण बता रहे हैं, इसके पहले माननीय भाई साहब 4 चुनाव लड़ चुके हैं, तो इसके पहले इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। तो ये सब कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस में तो एक ही बात कहूँगा, संजय शुक्ला जी विकास के दम पर चुनाव लड़े, ना कि इस तरह के षड्यंत्र पे। वो कांग्रेसी भाइयों से यही विकास की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने पहला शब्द क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2023 को ये ऑर्डर दिया है, लेकिन महिलाओं को लेकर गंभीर अपराध दर्ज है कैलाश जी पे। महिलाओं को लेकर गंभीर अपराध तो है, वो नहीं कह सकते, पर जो जानकारी महिलाओं के लिए उनने करी है और हमेशा तत्पर रहने वाले इंसान है, और विकास की तो उनने गंगा बहाई है। ये जो कांग्रेसी उन कहना चाहते हैं ना, इनको ये कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कैलाश जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं और इनको ये आने वाला महिला सम्मान की बात कर रहे हैं कि महिला सम्मान कहाँ से हो रहा है, बीजेपी ने तो ऐसे कैंडिडेट को उतारा है। नहीं, महिला सम्मान बरोबर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान करने वाली है और करती है, और सदा मोदी जी ने और शिवराज जी ने महिलाओं को आगे करा है। किस तरह से सम्मान की बात कर रहे हैं? देखिए, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि नारी सम्मान की बात, लाडली बहना योजना इन्होंने लगाई है, लेकिन ये कब लगाई? 18 साल भूल गए? जब चुनाव आया तो 6 महीने में रेवड़ी बांटने लगे, उधार लेके घी भी रहे, ये चीज करी है इन्होंने। उधार का घी की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? चुनाव आने के समय वो महिलाओं के लिए नहीं सोचे हैं, बहुत पहले से महिलाओं के लिए सोचे हैं और 35% आरक्षण दिए हैं महिलाओं को, और महिलाओं की तरफ से आपराधी इसलिए लगाया जा रहा है कि बंगाल में जो वो ममता बनर्जी थे उनके प्रति, कैलाश जी के प्रति ज़्यादा भेदभाव है, इसलिए महिलाओं के बारे में वो बोल रहे हैं। महिलाओं का सम्मान बीजेपी के तरफ से बहुत ज़्यादा मिला है और आगे भी मिलेगा, और इनको घबराहट हो रही है कि कैलाश जी बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारी बहुमत से जीते रहे हैं, आपका क्या कहना है, किस तरह से जीत रहे हैं, क्या चुनाव में ये प्रभावित करेंगे जो आप मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, मुद्दे की बात करें अपन तो कोरोना काल में संजू मैंने जैसा काम करा है, बीजेपी गवर्नमेंट थी, बीजेपी के विधायक थे, जब यहाँ पर क्या विकास करा हमारे संजू भैया ने, 600 बोरिंग कराए हैं, आप यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं, रोड पानी बिल्कुल ऑन पत्र है, हमारे पास ऑन पत्र है, आपको उसका भी लिखा जोखा प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरह से बताओ भैया? मैं तो कहता हूँ 600 फीट करने का वादा कर रहा था, या 600 बोरिंग करने का वादा कर रहा था, उन्हें केवल प्रशासकीय पैसों का दुरुपयोग किया है बस, उन्हें विधायक नीति का केवल, ये प्रशासनिक पैसों से नहीं हुआ, ये स्वयं खर्चों पर हुआ है, स्वयं विधायक के स्वयं खर्चे पर गया है 600 बोरिंग। देखिए एक मिनट, आपने जो बात कही, तथ्यों की अगर बात कर रहे हैं तो पिछले 5 साल में संजय सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने की बात कर रहे हैं, तो आप चैलेंज कर रहा हूं मैं कि संजय शुक्ला ने अगर 1 रुपया भी किसी से चंदे के रूप में लिया हो या सरकारी सहायता लियो तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अगर आप उल्टी बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि पिछले 20 साल में कैलाश जी तो खैर 1990 से है ना यहाँ पे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? संजय भैया ने जो बोरिंग करवाया है, हम मानते हैं बोरिंग कराया है, पर उसके अंदर मोटर भी डलवाने का उनका फर्ज था, सिर्फ गड्ढा करने का फर्ज नहीं। एक मिनट पूरी बात सुनिए, आपने कहा पिछले 20 साल से तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उसके अलावा 15 साल यहाँ पे विधायक था, आज कैलाश जी को याद आ रहा है कि मैं यहाँ पे विकास करूंगा? आप भगोड़ा हो, आप पहले एक मिनट पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए आप ये बताइए, आप
विधानसभा चार में रहे, एक विकास की बात कर रहे हैं, पूरी बात। आप पहले विधानसभा चार में थे, एक एक कार्यकाल में भाग गए, फिर आप बिना दो में आए, फिर भाग गए। हमारे यहाँ उमद, ये 60 फीट रोड, ये 60 फीट रोड, ये महिला मोर्चे ने, हमारी उमा शशि शर्मा जी ने 60 फीट रोड दिया। आप बता दीजिए कि आप कहीं, आप वर्तमान में विधायक हैं, आप कॉलोनी में बता दीजिए कि आपका विकास कौन सा हुआ है। मैं कहती हूँ आप मुझसे मत पूछिए, ये 3 तारीख को आपको पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता जवाब देगी आपको कहाँ पे विकास हुआ और किस प्रकार से। मैं बोलना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि कैलाश विजयवर्गीय ने जब महापौर बने थे, जब ये 60 फीट रोड का मुहूर्त कराए, ये पानी की टंकी उमा शशि शर्मा जी ने दी है। कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में पूरे इंदौर शहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मशीन किसी ने दी है, तो माननीय कैलाश जी ने दी है। ये आप भी कर रहे हैं कोरोना काल में, आप जनता जानती है कोरोना काल में बाहर कौन था, जानती है कोरोना काल में बाहर कौन था। मशीन देने की बात कर रहे हैं, आर्थिक सहायता पूरे इंदौर शहर में किसी ने दी है तो माननीय कैलाश जी ने दी है। किसने दिया था? शुक्ला ने दिया था, शुक्ला जी भी कैलाश जी की तारीफ कर चुके हैं। आपके आपके विधायक खुद, आपके संजय शुक्ला खुद बने कैलाश जी की तारीफ कर चुके हैं, क्योंकि कैलाश जी ने ये करा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मशीन कैलाश जी ने दी है। फिलहाल यहाँ पर ये तमाम तरह, लेकिन मुद्दा वो है कि चुनाव में जिस तरह से हलफनामे की बात की जा रही है, तो किस तरह से कैंसिल करवाने की रणनीति बनाएगी कांग्रेस? हम नहीं बना रहे, आपने शपथ पत्र झूठा दिया है, आपने शपथ पत्र झूठा दिया है, तो आपको इसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे। आज आपको कलेक्टर साथ दे देगा, लेकिन है ना, कोर्ट नहीं देगी, कोर्ट में प्रूफ होगा। 17 तारीख बताएगी, 3 तारीख को हम वापिस में परचम फहराएंगे। ये मुझे बोले हैं हम लोगों को कि 3 तारीख को हम विदाई समारोह करेंगे, तो मैं इनको जवाब दी हूँ कि आप मेरा, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको विदाई बधाई। नहीं नहीं, मेरी नहीं, आप तो ये बताइए कि राजनाथ सिंह ने आपको क्या बोला कि शिवराज हमारे मोदी धोनी है और कैलाश जी हमारे हार्दिक पांड्या। तो आप देख लीजिए, धोनी कहाँ रिटायर हो चुका है, तो शिवराज जी भी 3 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। दूसरी चीज, घायल है इसलिए वो मैच नहीं खेल रहा है। इसी प्रकार से कैलाश जी भी यहाँ पे मैच नहीं खेल रहे हैं, वो है ना बर्तन बांट रहे हैं, वो साड़ी बांट रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। अगर आपने काम किया होगा तो आप चुनाव हार चुके हैं। ये देखिए आप, उनको उनके राज्य स्तरीय नेता राजनाथ सिंह, अमित जी शाह को यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए बुलाना पड़ रहा है। आप देखिए क्षेत्र में संजू भैया ने कितना काम कर चुके हैं, उनको ये वास्तविक हकीकत पता है। तो भैया कभी यहाँ आते ही नहीं विधानसभा में, तभी आपको राजनीति, तभी आपको देखा ही नहीं है, संजू भैया को देखा नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ये बता रहे हैं कि गौ मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है, तो वो ब्राह्मणों के गौ मांस की बात कर रहे हैं, मेरे को बड़ा अजीब से लग रही है। मोदी जी का तो दोस्त ही ना एक्सपोर्ट कर रहा है और सबसे ज्यादा नंबर वन पे, आपको मालूम है। मोदी और दिग्विजय की बात नहीं हो रही है, दो मिनट राज जी के नामांकन को रिजेक्ट करवाने की कोशिश कर रही है, उस पर ये पूरा षड्यंत्र है संजय शुक्ला जी का। मैं तो एक ही बात पूछूंगा मेरे कांग्रेसी मित्रों से, आप तो विकास के दम पे चुनाव लड़े, विकास आपने क्या 5 साल में विकास किया, आप जनता के बीच में वो लेकर के जाइए बस। हमने पूरे ये तो पूरे समय बताएगा कि विकास किसका है राजनीति में। अगर आप है 1947 से लेके 1990 तक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2014 तक की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहती हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं हमारे कांग्रेसी कि ये ना मने बर्तन बांटे, आपने भी तो मने लहंडे बांटे, आप आके बांटना चालू किए। प्रूफ बताओ, हमारे पास तो प्रूफ है, दोनों वीडियो शूट चल रहा है। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए है, उसके बाद आप अनुमान लगा सकते हैं विधानसभा 1 में किस तरह से चुनाव हो रहा है। इंदौर से TV9